श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। साधना करने में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है जाप माला, क्योंकि बिना जाप किए मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मंत्र सिद्ध नहीं होगा तो आप उसका हवन नहीं कर पाएंगे, हवन नहीं कर पाएंगे पूर्णाहुति नहीं होगी, पूर्णाहुति नहीं होगी तो सिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन मालाओं को लेकर के बड़ा एक भ्रमजाल फैला हुआ है, या फिर ऐसा बोले कि कहीं लिखा ही नहीं है कि कैसे कौन से माला का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पूर्ण रूप से मैं आपको मालाओं को दिखाऊंगा कि कौन से माला कैसे होते हैं, कैसे उनका जाप होता है, किस तरीके से जाप करते हैं, है ना। तो जब हम साधना क्षेत्र में हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त तो होने वाला माला है वो है रुद्राक्ष का माला, ठीक है। रुद्राक्ष का माला हमने, हम लोगों में से सभी ने देखा है। ये जो रुद्राक्ष का माला होता है इसमें तीन प्रकार के रुद्राक्ष का माला आता है। एक तो ऐसा रुद्राक्ष जो आप लोगों ने देखा होगा हर जगह मिलता है, छोटे छोटे जो हम गला में पहनते हैं या फिर जो जाप के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो रुद्राक्ष का माला है ये इंडोनेशियन या जावा का दाना होता है, ठीक है। और 8 mm 10 mm का जो हम लोग जाप माला का प्रयोग करते हैं ये सब इंडोनेशियन दाना होता है। इसमें रंग भी मिल जाता है, जो लाल सफेद काला पीला ये चारों रंग में रुद्राक्ष बहुत मिलता है। अब बात है कि रुद्राक्ष डुप्लीकेट है कि सही है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बहुत मात्रा में मिलता है और मालाएं जो बनती हैं वो पंचमुखी रुद्राक्ष की बनती हैं, ठीक है। तो ये जो है जाप माला में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इंडोनेशियन रुद्राक्ष, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नेपाली रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ होता है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि नेपाल का जो रुद्राक्ष है ना वो कम से कम 14 mm का होता है, जो बहुत बड़ा होता है, जैसे हम लोग कंठी माला पहनते हैं उस तरीके का माला हो जाता है। तो नेपाली रुद्राक्ष से जाप करना संभव नहीं है, तो इंडोनेशियन माला ही प्रयोग होता है। तीसरा होता है भद्राक्ष जो कि थोड़ा चपटा सा होता है, वो साउथ इंडिया में मिलता है, उसका प्रयोग हम लोग जाप पूजन में नहीं करते हैं। ऐसा बोला जाता है वो दैत्यों के लिए होता है, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। दूसरा जो जाप माला सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा वो है स्पेटिक का माला, ठीक है। इसमें भी 6 से 8 mm का स्पेटिक का माला, ठीक है, इसको आप लोग प्रयोग में ला सकते हैं। स्पेटिक माला में डायमंड कट आता है, 7 तरह का स्पेटिक का दाना आता है, ये बहुत क्लियर दाना है ना। थोड़ा सा और इससे थोड़ा डल में जाइएगा तो इसमें थोड़े जो है वो रेशे रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल धुंधला रहेगा, जो आर पार नहीं दिखेगा, वो भी असली स्पेटिक होता है। स्पेटिक भी इतना मिलता है कि इसको जनरली डुप्लीकेट नहीं करते, लेकिन फिर लालच एक अलग चीज़ है, ठीक है। तीसरा जो सात्विक साधनाओं में प्रयोग होता है वो ये है तुलसी का माला, ठीक है। तुलसी का माला भी बहुत आसानी से मिलता है, ठीक है, डुप्लीकेसी की बात ही नहीं इसमें। और चौथा है ये शाक्त मत में जो भगवती की साधना करते हैं उन्होंने देखा होगा, ये लाल चंदन की माला है। तो ये चार जो है ये प्रमुख मालाएं हैं। इसके अलावा जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं वो काला हकीक का माला, वो मेरे पास अभी है नहीं, काले हकीक की माला पर भी जाप करते हैं। काला हकीक हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जो रुद्राक्ष की माला है अगर महादेव भैरव का जाप करना है तो ये सर्वोच्च होता है, ठीक है। भगवती का जाप करना है तो स्पेटिक का माला जो है ये सर्वोच्च होता है। दूसरा जो हकीक का माला वो होता है वो काफ़ी भारी होता है, और जो हवन पूजन साथ में करते हैं हकीक का माला बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब माला आप ले लेते हैं तो माला में संख्या का बड़ा विषय होता है, तो एक आम माला जो होगा उसमें पूरे 108 दाने होते हैं, ठीक है। 108 दाने वाले माले में ये एक गुरु पर्वत है, ठीक है, इसको गुरु के रूप में पूजा जाता है। जब आप 108 जाप करते हैं तो 8 जो 100 का संख्या जो है वो आपके पास आता है जाप का,
ठीक है, और बाकी जो आठ का संख्या है वो आपके देवता और आपके गुरु में बट जाता है, ठीक है, और ये आपके गुरु का और ये जो है इसके ऊपर में ये सहस्त्र कमल है, ठीक है, सहस्त्र कमल जो हमारे अजना चक्र पर या सहस्रार चक्र पर जो कमल खिलता है उसका ये प्रारूप है। तो जब आप अपना जाप माला तैयार करेंगे तो कभी भी इसको बंद नहीं रखेंगे। आजकल देखा है मैंने बहुत सारे मालाओं में ऐसे ये बंद आता है, इसको अच्छे से सिल देते हैं, अच्छा दिखता है, लेकिन वो पहनने के प्रयोग में आ सकता है। जब आप जाप माला का प्रयोग करेंगे तो उसमें ये सहस्त्र कमल जरूर दिलवाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा ये जो स्फटिक की माला है इसमें भी सहस्त्र कमल है, ठीक, रक्त चंदन की माला है इसमें भी सहस्त्र कमल है, और ये जो तुलसी की माला है इसमें भी सहस्त्र कमल है। अच्छा, एक और माला आजकल प्रयोग होने लगा है वो, लेकिन ज्योतिष दृष्टिकोण से प्रयोग करना चाहिए, सफेद चंदन की माला। हमने जितना साधना किया है उसमें उसका आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर यक्षिणी की साधना कर रहे हैं तो बाल्टिक एम्बर जिसको केरुआ कहते हैं उसकी उसका प्रयोग होता है, वो भी अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास, मंदिर में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हम जब जाप करेंगे ना किसी भी साधना के लिए तो उसमें हम 108 का प्रयोग करेंगे माला का। सबसे उत्तम क्या है कि 108 दाने की का जो माला है उसका हम लोग प्रयोग करें, ठीक है। कहा यह जाता है कि 108 दाना जो है ये मनुष्यों के लिए है, ठीक, 54 दाना जो है वो देवताओं के लिए है, और जो 27 दाना है उसको सुमेरु कहते हैं, वो नाम जाप के लिए होता है, ठीक है ना। तो 108 दाना वाला जो है ये हो गया जाप माला, ठीक। 54 दाना जैसे हम लोग जो कंठी पहनते हैं, ठीक है, देखो ये जैसे कंठी है, ये गले में कंठी धारण करते हैं हम लोग, तो ये जब कंठी हम लोग धारण करते हैं तो ये 54 का होता है। जो अक्ष माला होता है जिससे देवता जाप करते हैं वो भी 54 दाने का होता है, लेकिन उसका एक अलग विधान है, वो सोने के तार में बनता है, और जब गुरु पर गुरु पर्वत पे वो पहुंचता है 54-54 दोनों तरफ से, तो फिर एक तरफ से चांदी और एक तरफ से तांबे के तार को देख के गुरु को बांधा जाता है, और फिर उसके ऊपर सहस्त्र कमल दिया जाता है, उसको अक्ष माला कहते हैं। जब आप सप्तशती चंडी का पाठ करेंगे, जब आप नवारण मंत्र का जाप करेंगे, तो उसमें आपको बोला जाता है कि अक्ष माला, वो जब आप अभिमंत्रित करते हैं अपने माला को कन्यास हृदय न्यास के बाद, तो उसमें वर्णित है कि अक्ष माला से जाप होगी, तो वो देवताओं के लिए। हम लोग जो है 108 माला से जाप करेंगे। जब नहीं संभव है 108 माला आपका नहीं है, तब जो है आप 54 माला से दो बार जाप कर लीजिए, ठीक है। तीसरा जो है ये है सुमेरु, ये 27 दाने का, देखिए ये 27 दाने का है। तो आपने देखा होगा कि साधु संत जो होते हैं वो हमेशा 27 दाने के ये मालाओं को रखते हैं। इमरजेंसी में आप सुमेरु पे जाप कर सकते हैं, मतलब चार बार जाप किया तो 108 हो गया, लेकिन सुमेरु जो होता है 27 दाने का, इसका प्रयोग जो होता है वो नाम जाप के लिए होता है। जैसे हम जाप कर रहे हैं शिव 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 शिव, तो ये इसमें आप जाप कर ले, ठीक है, राम 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 राम, आप इसमें जाप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरा मंत्र का कोशिश करना है कि 108 मन के का आपके पास दाना हो, नहीं है तब इसका प्रयोग कीजिएगा। एक और विषय मैं यहाँ रख देता हूँ कि जैसे रुद्राक्ष का आप 27 मन के का दाना यूज कर रहे हैं या 54 मन के का दाना यूज कर रहे हैं, तो जो तंत्र में है जो साधक है उनको ये समझना चाहिए कि कितने दाने आपके रुद्राक्ष में है, ये तय करता है कि आप कौन सा तंत्र चला रहे हैं, ठीक है। जो सुव्यवस्थित करने वाले तंत्र है वो 108 के दाने से चलते हैं, ठीक है। जो मोहिनी या किसी के मन के विकार को हटाने का एक तंत्र है वो 54 पे चलता है, किसी का मारण उच्चाटन करना है तो 27 मनके का दाना चलता है। इसलिए भी हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि 28 मनके का जो है 27 मनके का या 54 मनके का जो दाना है उसको ना प्रयोग करके हम लोग 108 मनके वाला दाना प्रयोग करें, ठीक है। अब देखिए ये है जाप माला। अगर आप श्मशान में या किसी मंदिर में जाप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने माला को ढकें, ठीक, लेकिन अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं या कहीं ऐसा जगह जहां लोग आपको देख सकते हैं, तो चाहे तो माला के ऊपर एक कपड़ा रख लीजिए कम से कम, या फिर एक आप जो अंग वस्त्र रखते हैं उसके अंदर माला को रख करके जाप कीजिए, खुले में जाप नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस तरीके का एक झोला बनाइए, देखिए ये इधर
ऐसा निकला हुआ है, ठीक है, और ये है नीचे, ठीक। तो यहाँ से हम हाथ इसमें घुसाते हैं ऐसे, और फिर इसमें जाप करते हैं अंदर में। बहुत लोग यहाँ से उंगली निकालने का भी रखते हैं, क्योंकि ये उंगली और ये अनामिका और ये दोनों उंगलियां जो हैं ये माला में जो है सटनी नहीं चाहिए। तो अंदर ऐसे बनाते हैं हम लोग एक झोला। इस झोले में क्या है, इसका नाप आपके 8 उंगली के बराबर होना चाहिए। जो ये साइड है ना, इसका जाप नाप जो है आपकी 8 उंगली होनी चाहिए, और ये जो है आपका 16 उंगली बराबर इसका लंबाई होना चाहिए। तो ऐसा आप जाप माला बनवा लेंगे और उसमें जो है जाप करेंगे। जो ईस्कॉन वाले जाप माला देते हैं वो ऐसे गले में लटका करके पोटली की तरह, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, ठीक है, उसमें हम लोग जाप नहीं करते हैं। जाप कैसे करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग ऐसे जाप करते हैं ये, ठीक है। तंत्र में कुछ कुछ मंत्रों का ऐसे आप जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाप कर रहे हैं तो ये जो आपकी दोनों उंगलियां हैं, मतलब रिंग फिंगर और थंब, इन दोनों पर माला को ऐसे रखते हैं, ठीक है, और मध्यमा से माला को खींचना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे खींचते हैं माला को, ये देखिए, ये मध्यमा, ये रिंग फिंगर और थंब को ऐसे करके हमने बना लिया, और ये मध्यमा से इसको हम खींचते हैं, ठीक है। इसमें इंडेक्स फिंगर और जो हमारा लिटिल फिंगर है दोनों इसमें टच नहीं होता है। तो हमेशा जाप ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी ऐसे जाप ना करें घर में, तो एकदम नहीं, ठीक है, ये गलत है, ऐसे जाप नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतना करने के बाद जो माला होता है देवता का नाम लेकर के अपनी बाईं आंख, फिर अपनी दाईं आंख, और फिर अपने जो त्रिनेत्र है उस पर सटा करके ही माला को रखना चाहिए। जो माला को देवता को अर्पण करते हैं वो देवता के बाईं ओर माला को ले जा करके जाप को अर्पण करके फिर अपने आंखों में सटाएंगे, ठीक। जो स्पेटिक की माला है इसमें भगवती के सारे मंत्रों का जाप हो सकता है, शुक्र का जाप हो सकता है, ठीक है, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इस मंत्र पर जाप करने से। जो भगवती के लिए रुद्राक्ष की माला का जाप करते हैं, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं, उनको भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की माला पर जाप नहीं होता भगवती का, तो उसके लिए स्पेटिक। रुद्राक्ष की माला महादेव, महादेव के सारे रूप, हनुमान, भैरव, सबके लिए यही प्रयोग होता है, भगवती के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस पर जाप नहीं होता भगवती के मंत्रों का, ठीक है। तुलसी का माला विष्णु जी के जाप के लिए और गायत्री के लिए, और लाल चंदन की जो माला है इसमें भगवती का जाप होता है, लेकिन इससे उत्तम हम मानते हैं स्पेटिक की माला पर जाप करना, ठीक है। तो अगर ऑप्शन रहे तो स्पेटिक की माला पर जाप करेंगे। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को हाँ, एक अंतिम ये सवाल किसी ने पूछा था कि अभिमंत्रित करते हैं कि नहीं, क्या करते हैं माला को। तो माला को क्योंकि बहुत हाथों से गुजर कर आता है, तो एक माला को कभी भी धूप जला करके ना उसके ऊपर थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के धूप के ऊपर इसको रख दिया, तो जो भी इसमें नेगेटिव ऊर्जा होगी वो हट जाएगी। उसके बाद इसको गंगा जल से धो करके इसको प्रयोग करें। माला संस्कृत उस जगह पर करते हैं जिस गुरु परिवार में ये नियम हो कि माला को संस्कृत करके ही पहनना है, ठीक है। अगर आपके गुरु परिवार में ऐसा कोई नियम नहीं है या फिर आप गुरु परिवार से नहीं आते हैं तो आपको ऐसा कोई भी विधान करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो के बाद मालाओं के विषय में आप लोगों को कोई भी जिज्ञासा जो है वो बाकी नहीं होगी। अगर होगी तो आप मुझे पूछ लीजिए, अगले लाइव में मैं उसका जवाब दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती चामुंडा और भैरव बाबा आप सभी को अनंत सिद्धियां दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी सुख संपन्न रहे। सराची वाली भैरव बाबा से मेरी प्रार्थना है, आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालय यज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।